हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। आज हम बात करेंगे जो हम हर रोज जिसे यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के बारे में। हम हर रोज इंटरनेट यूज करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इंटरनेट का कोई मालिक है या नहीं? क्या कोई इंटरनेट कंट्रोल कौन करता है? इंटरनेट को चलाता कौन है? इंटरनेट को बनाता कौन है? क्या एयरटेल है, BSNL है, जो जिस तरीके जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज है, क्या वो इंटरनेट को कंट्रोल करती है, या फिर किसी देश की सरकार इंटरनेट को कंट्रोल करती है, या फिर गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, क्या वो इंटरनेट को कंट्रोल करती है, या फिर कोई और है जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है? तो आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट कैसे बनता है? इसे कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और किया जा सकता है तो कौन कर सकता है? ये सारे डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो इंटरनेट पे हम लोग वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे कि facebook.com हो गया, google.com हो गया, youtube.com हो गया। तो ये वेबसाइट URL एड्रेस कहा जाता है। तो ये कहां रजिस्टर होता है? तो देखिए, जो जैसे कि google.com की बात करें, तो गूगल डोमेन नेम है, .com है वो टॉप लेवल डोमेन है। अगर आपको अपने नाम की वेबसाइट बनानी है, कि जैसे मेरा नाम ईशान है तो मैं ईशान.com बनाना चाहूंगा, तो मुझे जो .com प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज है, जैसे कि GoDaddy है और अदर्स जो कंपनी है, उनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहां से बाय करना पड़ेगा। यानी कि जो google.com है या फिर ईशान.com है, तो मैं जाऊंगा GoDaddy में और वहां पर ईशान.com लिखकर बाय करूंगा, तो मेरी वेबसाइट का नाम हो जाएगा ईशान.com। तो क्या GoDaddy इंटरनेट को कंट्रोल करती है, इस तरीके की वेबसाइट कंट्रोल करती है? और अगर ये लोग .com बेच रहे हैं, तो किसने इसे ऑथोराइज किया कि वो बेच सकते हैं? तो इसके बारे में बात करें तो ICANN, इंटरनेट कंट्रोल फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, ICANN करके हैं, वो ऑथोराइज करती है, जो लॉस एंजलिस में एक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही डिसाइड करती है कि टॉप लेवल डोमेन, जैसे कि .com कौन है, .in, .org, इस तरीके का डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लगेगा वो क्या क्या होंगे, और इसे बेचने का राइट्स किसे दिया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंट्रोल ICANN के पास हो सकता है इंटरनेट को कंट्रोल करने का। वो बिडिंग के द्वारा जो कंपनीज होती है उनको ये राइट्स देती है कि आप ये .com है, .in है, .org है, वो आप बेच सकते हैं। यानी कि GoDaddy को ऑथोराइज किसने किया? ICANN ने किया। लेकिन फिर भी ये पूरे इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप समझिए कि .com है, .in है, ये सारा कुछ ICANN डिसाइड करती है कि कौन सा एक्सटेंशन रहेगा, और फिर ये जो बिडिंग करके जो कंपनीज को देते हैं कि आप ये .com बेच सकते हैं, आप .in बेच सकते हैं, आप .geo भी बेच सकते हैं, और हमारे जैसे लोग उस कंपनीज को, यानी GoDaddy और उस तरह की कंपनी में से .com है, .in है, .org है, .geo भी है, उस तरीके के बाय करके साइट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा कंट्रोल आप कह सकते हैं कि इनके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरा इंटरनेट कंट्रोल ये भी नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इंटरनेट आखिर बनता क्या है। तो जो भी डिवाइसेस है, जो भी कंप्यूटर है, जो भी मोबाइल है, वो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो इंटरनेट को बनाता है। और पूरी दुनिया में जो अंडर वाटर बहुत सारी वायर बिछाई गई है, और जो एक दूसरे देश से कनेक्टेड है, और हर एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उस तरीके से पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट बनता है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वायर्स बिछाई है जिस कंपनीज ने, वो थोड़ा बहुत इंटरनेट को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो भी पूरा इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या आता है कि जो एक देश से दूसरे देश तक सारे वायर्स बिछे अंडर वाटर दरिया में, और उसमें उसके बाद जमीनी तौर पर जो इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, जिसे ISP कहा जाता है, वो वहां से हमारे घर तक इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो जमीनी लेवल पर वायर्स बिछाते हैं और इंटरनेट पहुंचाते हैं। तो वो भी थोड़ा बहुत इंटरनेट वो कंट्रोल कर सकते हैं जो जमीनी तौर पर वायर बिछाए हो, लेकिन वो भी पूरा इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरनेट ICANN कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूरा वो भी नहीं कर सकता है। थोड़ा कंट्रोल जिस कंपनी ने, जो वायर बिछाई,
चाहे वो जमीनी तौर पे हो या फिर अंडर वाटर हो, वो भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो भी पूरा इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर सकती है। अब आप कहेंगे कि मेरा मोबाइल है वो तो वाईफाई से चलता है, वो वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, आपका मोबाइल है वो मोबाइल टावर से कनेक्टेड है, और मोबाइल जो टावर है वो ऐसी वायर से कनेक्टेड है, और इसके कारण आपके मोबाइल में भी पूरे दुनिया का इंटरनेट रहता है और आपका मोबाइल भी पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहता है। तो यहां पे ये भी आ गया कि इंटरनेट इस तरीके से बनता है कि जो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होके जो बनाते हैं इंटरनेट बनाते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो इंटरनेट को बनाते हैं। और लेकिन जो इंटरनेट प्रोवाइडेड कंपनी है वो, या फिर जो दरिया में जो वायर्स बिछाई गई हैं, वो कंपनीज भी इंटरनेट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करती है और नहीं कर सकती है। अब जैसे कि कोई मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसने कोई सी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। अब आप उसकी इंटरनेट प्रोवाइडर है तो आप वो नहीं खोल पा रहे, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप वीपीएन का यूज करेंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ वेबसाइट को बैन कर देती है तो वीपीएन का यूज करते हैं, और वीपीएन का यूज करेंगे तो आईपी एड्रेस और सर्वर बदल जाएगा, और सर्वर बदल जाएगा तो वेबसाइट आपके डिवाइस में खुलने लगेगी। तो चाहे गवर्नमेंट हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर वो भी कुछ बैन भी कर देते हैं और आप वीपीएन बदल देते हैं, वीपीएन यूज करते हैं, तो आपके डिवाइसेस में वो ओपन हो जाएगी, यानी कि उनका भी कंट्रोल नहीं है इंटरनेट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जैसे हर एक मोबाइल का एक आईएमआई नंबर होता है, इसी तरीके से हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। भले ही आप google.com लिखो या फिर godaddy.com लिखो या ishan.com लिखो या youtube.com लिखो, उसका एक पीछे एक डीएनएस जो सर्वर है, जो डोमेन नेम प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, वो एक आईपी एड्रेस देती है, उस पे वो जाता है और फिर वो वहां से वो वेबसाइट ओपन होती है। यानी कि आप भले ही डोमेन नेम लिख रहे हो, लेकिन फिर सर्वर में होकर वो आईपी एड्रेस से वो वेबसाइट खुलती है, इस तरीके से वो वेबसाइट होती है। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आप क्या करोगे, आप गोडेडी जैसी वेबसाइट पर जाओगे, अपना जो नाम है आपको मनचाहा वो आप पसंद करोगे वहां के, उसके बाद जो आपको एक्सटेंशन चाहिए .com चाहिए .in चाहिए .org चाहिए वो आप डिसाइड करोगे, और उसके बाद आप बाय करोगे, फिर आप स्पेस बाय करोगे। अब स्पेस बाय करने के बाद आपके पास नेम आ गया, स्पेस आ गई, होस्टिंग आ गया, और फिर आप अपनी मनचाही वेबसाइट बना सकते हैं। अब उस वेबसाइट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो आपके कंट्रोल में है, यानी कि गूगल है या फिर कोई भी कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है या फिर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके कंट्रोल में वो नहीं है, वो केवल आपके कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोडेडी के कंट्रोल में है जहां पर आपने रजिस्टर कराया है .com। तो यानी कि बेसिक जो क्वेश्चन है कि आखिर इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, तो यानी कि इसका सीधा जवाब है कि इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इंटरनेट सबका है, किसी एक का नहीं है। यानी कि इंटरनेट, यही बात आती है कि जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है वो मिलकर एक इंटरनेट को बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन कि इंटरनेट क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या कोई इंटरनेट को कनेक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, या फिर इंटरनेट को कंट्रोल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, यानी कि इंटरनेट सब डिवाइस मिलकर बनाते हैं।